हाय गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं व्लॉग वीडियो बनाने के लिए। और यार जो आप देख रहे हो, ये मेरा छोटा सा दुकान है, गुमटी है छोटा सा। और हमने थोड़े दो कुछ काम करके, कंपनी मेहनत करके छोटा सा दुकान खोले हैं कि अपना कुछ यहाँ पर बैठे अपना कुछ कर सके। मान लो थोड़ा कमी पैसा कमाए, लेकिन किसी से गुलामी नहीं करना चाहते, छोटा ही बिजनेस करके रखे हैं। और हम लोग चाहते नहीं हैं कि काम करें। गाइस, आज हम लोग का शिवरात्रि का मेला चल रहा है, जो आने वाला है 2 दिन के बाद 8 तारीख को। और हम लोग का जो शहर में देख मेला लग रहा है, और मेला भी जो लग रहा है ना, तो हम लोग वहाँ का मेला को दिखाएंगे कि कैसे तैयारी चल रही है। और आप वीडियो को बने रहिए, हम चलिए चलते हैं। तो गाइस, हम दुकान से निकल गए हैं और अपने दोस्त को फ़ोन किया हूँ गाड़ी लाने के लिए, और मेरा दोस्त गाड़ी लेकर आएगा। देखिए, ये देखो मेरा दोस्त आ रहा है। देखो, 80 गाड़ी से हम लोग जाएँगे। देखिए, ये हमारी गाड़ी, हम लोग बैठ के इस पर जाएंगे आपका व्लॉग वीडियो बनाने के लिए। तो गाइस, हम तो गाड़ी पे बैठ गए, लेकिन हमारे गाड़ी पे हवा भी नहीं है, और मुझे जाना पड़ेगा हवा भरवाने के लिए। यहाँ से थोड़ी दूर और है, उसके बाद जब हवा जब भरवाने है, फिर आपको वहाँ पे लेके चलेंगे। चलिए चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो है ना, बहुत सारी कंपनी है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। और जो देख रहे हैं इस पट्टी, जो 5 विकेट है, जैसे कंपनी में जो आग उग लगते हैं ना, तो यहीं से आते हैं। बहुत पास में भी है 5 विकेट, कोई दिक्कत नहीं रहता है। देखिए, अब जा रहे थे कोई इस साइड जो है हमारा मेला रास्ता है, और इस साइड हम जा रहे हैं हवा भरवाने के लिए। और जो देख रहे हो आगे पास जो है ना, इतना गाड़ी जाम भी चलती है कि क्या पता। और इस फिर क्या है कि रोड भी बन रहा है ना, इस साइड में हाईवे रोड बनने के लिए भी थोड़ी सी मतलब लगे हैं अभी। देखिए, इसलिए बहुत जाम चलती है गाड़ी। और हम पहुँचने वाले अपने दुकान पर, साइकिल की दुकान पर पहुँचेंगे। यहाँ पर पहुँच गए हैं, अब यहाँ पर हवा भरवाएंगे। अभी तो हमारा हवा भरा गया, हमारा हवा भरा रहा है अभी, देख रहे हो। देखिए, हमारा हवा भरा गया है, अब हम यहाँ से भी निकलेंगे। चलिए चलते हैं। देख रहे हो, हमको सीधा जाना है, लेकिन आपको यहाँ पे ना बहुत सारी कंपनी दिख रही, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंपनी है। अरे, जहाँ हम रहते हैं यहाँ पर, हम इस जगह का नाम जो है धवन नाम है, धवन। धवन में आओ, इंजॉय करो। धवन में बहुत लोग आते हैं, बाहर से लोग बहुत लोग आते हैं, सूरत वाले बहुत दूर दूर से आते हैं घूमने के लिए। तो गाइस, जो ये जो आपको जो दिख रहा है मंदिर, इस मंदिर का नाम सोमनाथ है। और ये मंदिर से यहाँ से लेके वो सोमनाथ नाके तक मेला लगा रहता है, क्योंकि जितने यहाँ से लगा रहते हैं वहाँ तक। और यहाँ से आदमी लोग इतना भीड़ में जाम हो जाता है कि आदमी चल नहीं पाता है, बहुत भीड़ लगा रहता है, क्योंकि बहुत बड़ा मेला लगा रहता है, बहुत भीड़ रहता है। किस बार देखो, क्या पता सब इतनी सारी मतलब रोड ख़राब किए हैं गाड़ी उड़ी, तो फिर देखो क्या होता है, मेला थोड़ा कम ही लगेगा। लेकिन इधर पर चलिए देखते हैं क्या क्या लगा, क्या क्या नहीं लगा, हम आपको दिखाते हैं। देखो, जो जो आप दोनों साइड पर देख रहे हो, ये तो टॉकीज है सिनेमा हॉल। और ये देखिए, सिनेमा हॉल के बाजू में हमारा मेला लगा रहता है, दिख रहा है आपको। और देखते हैं अभी क्या क्या मेला अंदर में लगा है। चलिए, अंदर गाड़ी घुसा दिए सीधा, अब साइड में गाड़ी उधर पर खड़ा करेंगे, फिर आपको हम दिखाएंगे उतर कर। चलिए, हम उतर गए। आप देखो, आपको दिखा रहे हो क्या क्या लगा। देखो, इसका सरकत वाला है, और ये तो बनाने शुरू वाला, अपने बच्चे लोग का जो घूमने वाला। देखो, चक्री चक्री लगता है हमको यहाँ पे लगा नहीं, इस बार पता नहीं क्यों नहीं लगा हमको, तो दिख नहीं रहा है। चलिए देखिए,
और जो भी अच्छा लगे बच्चे वाला भी है। इसमें तो चक्री तो लगा ही नहीं, चलो जाने दो। लेकिन देखो ये जब ना जो इतना आपको जगह जगह दिख रहा है ना, तो यहाँ पर कल खिलौना होगा ना, खाने पीने का दुकान लगा रहता है, आप लोग यहाँ पर आ सकते हो। गाइस हम आपको यहाँ का मेला दिखाई दिए हैं, और आप लोग जितने भी होंगे वापी और दमन के, आप लोग भी यहाँ पे आए सोमनाथ पे और यहाँ पे इंजॉय लीजिए। शिवरात्रि के टाइम पर 8 तारीख आइए और आपको बताइए कमेंट में कि आपको यहाँ का वीडियो आपको कैसा लगा होगा। और हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। लेकिन हाँ, लेकिन हमारे वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए कि एक दूसरे को पास पहुँचे और कुछ हम भी आगे बढ़े, आपसे यही कृपा है। चलिए तो हम चलते हैं अब। चलो ठीक है, बाय। अब आज का वीडियो आपको इतना ही बना के दिखा दिए, अब आपको हम भी मिलेंगे आपको शिवरात्रि के टाइम पर 8 तारीख को दिखाएंगे। ठीक है, चलिए।